एज में, दिमाग में आप बहुत बड़े हो मेरे से, है ना, तो यू शुड रियलाइज कि ये बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। हेलो गाइस, के अरमान मलिक का जो बॉक्सिंग वाला सेंटेंस था UK07 रेड के लिए, वो एक्सेप्ट कर लिया UK07 रेड ने, और साथ UK07 रेड को ट्रोल कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं और इसको लेकर पोक कर रहे हैं। उस पर द UK07 रेड क्या बोले अपने ब्लॉग में, आप देखिए। शिकार पहुंचा तो मैंने इंटरनेट चेक करा, बहुत सारी चीजें हो रही थी, यू नो, बहुत सारी चीजें। लोग वेट कर रहे थे मेरे साइड के आंसर का, तो मैं घर पहुंच गया था, तो आंसर देना तो बनता है। द थिंग इज गाइस, आप लोगों को पता है हम लोगों ने एक बॉक्सिंग चैलेंज दिया था, एंड उस बॉक्सिंग चैलेंज में ना बहुत लोगों के चैलेंजेस आए, बहुत लोगों के चैलेंजेस। जो मेरे फैन थे ना, जो घर में फोटो खिंचाने आते थे, वो भी चैलेंज करते हुए घूम रहे। लाइफ में ना कभी किसी से जेलस मत होना, अपने काम पर फोकस रखो। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है यार, बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन है, बॉक्सिंग फाइट करो, वी विल फाइट हिम इन द फ्यूचर, मजे आएंगे। मैं आज से अपनी पर्सनल ट्रेनिंग शुरू कर रहा हूँ, लोगों को भी एंटरटेनमेंट फैक्टर पे मजा आएगा, एंड ये एक ही कम्युनिटी का पार्ट। बट अगर आप पर्सनल लेवल पे जाकर के पोक करोगे तो दैट इज नॉट अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। एज में, दिमाग में आप बहुत बड़े हो मेरे से, है ना, तो यू शुड रियलाइज कि ये बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो भी बच्चा हूँ यार, मैं छोटा हूँ, यू नो, मेरे से भी 10 गलतियाँ होंगी, मैं सीख रहा हूँ। बट अगर 35-40 साल की उम्र में आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो ये चीज़ें ना आपको शोभा नहीं देती। फिलहाल के लिए ट्रेनिंग में हम लोग कल परसों से शुरू कर देंगे, एंड वी विल मेक दिस बिग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, पॉजिटिविटी फैलाओ दुनिया में, पोचिंग बॉक्सिंग तो चलती है। तो हेलो गाइस, सो गाइस यहाँ पे मतलब कि बॉक्सिंग फाइट के लिए वो रेडी हो चुके हैं, ट्रेनिंग करने वाले हैं, लेकिन वापस यहाँ पे नाम नहीं लिया है अरमान मलिक का। वैसे आपको क्या लगता है, इन दोनों के बीच में बॉक्सिंग फाइट होनी चाहिए या फिर नहीं, और होती है तो आप किसको सपोर्ट करोगे?